अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। यार आप लोग देख सकते हैं, और लोगों को टाइम भी दिखा दूं, 1 बजे और अभी मुझे जाना है जिम। जिम से जब फ्री हो जाओ वापस आ जाओ, प्रैक्टिस करने जाऊंगा। प्रैक्टिस के बाद फिर आकर घर में, मतलब आज हम लोगों का लास्ट मजलिस है। मजलिस में मतलब देख वगैरह कल ऑर्डर दिया था, उस कल मैंने रेस्ट किया था, ब्लॉग वगैरह बिल्कुल नहीं बनाया था मैंने, इस वजह से मतलब आप लोगों को सालाश का ब्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू। फ्रेश हो गया हो यार? जिम जाने से पहले अपने टी शर्ट को भी अतर लगाता हूँ और अपने हाथों पे भी बहुत अच्छी खुशबू। जिम जाने से पहले कह रही के नाशपाती और हारू खाओ, फिर जिम की तरफ जाओ यार। चलो मदर की खातिर ही खाऊंगा थोड़ा बहुत। खुद आ गई मैदान में। चीजें बने से शफ्तालू, वाओ। बहुत ही कठा है यार। यार मैंने कल आज यूट्यूब में देखा था कि मटके का पानी पता नहीं 5 किस्म बीमारियों के लिए मुफीद है, स्पेशली मैदे के लिए। पता नहीं इसमें कुदरती क्या चीज़ है कि मैदे के लिए बहुत ही मुफीद है। सोचा से मैं अक्सर यहाँ से ही पानी ले जाता हूँ जिम के लिए। Hours later. यार घर पहुंच गया हूँ, आज काम नहीं करा मैंने। यार मंडे से मैंने मसल स्टार्ट किया था, मंडे मैंने चेस्ट वर्कआउट किया था, फिर ट्यूसडे को बाइसे, फिर आज शाइसे, इस वजह से आज काम नहीं कर रहे। यार अभी जाकर कहूँ कि देखो फिक्स 6 बजे लाओ। सर 6 बजे हम रहे फिक्स 6 बजे, सही है? बजाम को से दर्जन हो रही जब गिला सब तो यार फिक्स 6 बजे। यार मैं यहाँ पे ब्लॉग एडिट कर रहा था और कौन आया है, इच्छिया वो एक फिर से कोई नई चीज़ है जात भी देख दी तर मुशा। वाह क्या क्या चीज़ आता है यार मार्केट में। हाँ यार तैयारी जोरों शोर से शुरू है, क्योंकि अभी तकरीबन घंटा बाद यहाँ पे मजलिस स्टार्ट होगा। वाह बहुत ही ठंडी जगह, तो बहुत ही ठंडी जगह। ये गर्मी छोटी नन्ही सी प्यारी सी फातिमा सुग्रा और साथ में उसकी सहेली, नाम जीचिया फरवा बतूल या था ना फरवा जहरा फातिमा सुग्रा कियान फरवा
अपने ही दुनिया में गुम है ना लाला नाजी है ना तुझे गम कसनी है ना आते 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 बाबर आजम ने यार अगेन अगेन 100 कर लिया बेस्ट विशेस मेरे जिम्मे देख रहे हैं इस वजह से मैं मान नहीं गया क्योंकि वो लोग जब आएंगे तो मेरा काम है कि कब देख हो गया अंदर ना हो ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो अभी मजलिस स्टार्ट है वालेकुम इस वजह से ये भी हमारे घर के अंदर में जब वो लोग खाएं और जब देखो घर लाए तो मेरा थोड़ा जब फिर खाना खाऊंगा क्योंकि यार खाना भी तक नहीं खाएंगे आप उस टाइम देख सकते हो देख जी पहुंच गया हूँ फटाफट में भी खाना खाऊंगा फाइनली फाइनली यार खाना खाऊंगा भी खाना खा रहा है मेरे साथ पता नहीं ये क्या चीज़ है जेली है मज़ा मिला मज़ा सही है यार मतलब गुजारे का है अभी दोस्त लोग आ रहे हैं हमारे घर वो लोग न्याज खाएंगे एक के जो दोस्त थे जो हमेशा हमारे घर ही होते हैं वो लोग आ रहे हैं अभी खाना भी यार दोस्त लोग जमा हो रहे हैं अभी खाना भी अपन को जबरदस्त जबरदस्त क्यान भी काम कर रहा है यार खालीन वगैरह जमा कर रहा है अभी चीज रहा तमाम तू जम कर दे बिस्यार खूब कार कर दे तू किस कार कर दे दिसा इच कर गुड शॉट जबरदस्त जबरदस्त अली हुसैन माशाल्लाह माशाल्लाह क्या ने आज बहुत बहुत ज्यादा काम किया बहुत ज्यादा आज इसने बहुत बहुत ज्यादा काम किया माशाल्लाह वो पसीना निकल रहा है इसमें यार इसने मुझे कहा था मामू मुझे 10 रुपये दे दो मैं जाकर दुकान से अपने लिए सामान खरीदूंगा मैंने इसको 100 दे दिया कि जाकर 10 आपका 10 आपके दोस्त का उसने ये कहा 600 से मामू ने बकाया आपके लिए वापस लाऊंगा मैंने 100 दे दिया इसको अपने दोस्त के साथ दुकान में गया था 100 खर्च कर दिया सो खर्च कर लिया फिर आकर मुझे कहने लगा मामू मैंने 10 रुपये ले लिया है मैंने कहा फिर बकाया वापस दे दो मैंने फिर कहता है मैंने 10 रुपये ले लिया फिर मैं कहता हूँ फिर मैंने कहा था फिर मैंने कहा यार बकाया तो वापस कर लो ना शर्मा शर्मा गया फिर मैं समझ गया किसने यार यहाँ पे प्लानिंग बन रहा है सर्दियों के लिए के जाएंगे इंशाल्लाह चारशाख जो कि मतलब मरियाबाद में सबसे हाईएस्ट माउंटेन है बल्कि क्वेटा में सेकंड हाईएस्ट है ना द क्वेटा द्यूमना खलाना ना वो क्वेटा में सेकंड हाईएस्ट नंबर पे चारशाख ही है मेरे ख्याल में तो लेट्स सी बोलने से कोई चिंता ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ लिया यार मैं नमाज डेली पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मगर व्लॉग में नहीं दिखाता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ता हूँ रेगुलर अभी जाकर मदर लोगों के लिए यार शिविर खिलाओ क्योंकि आज उन लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा काम किया है और तक भी बहुत गई है तो इस वजह से बहुत तक गई है तो इस वजह से शिविर तो उन लोगों का
हक बनती है, तो इस वजह से अभी जाकर श्रीख जो कि दोनों मदर की फेवरेट है, इस वजह से श्रीख लाऊंगा उन लोगों के लिए। श्रीख भाई बराबर सुना फालदा वाला दो गिलास तैयार करने यार मैं खुद नहीं खाऊंगा, सिर्फ मदर के लिए ही। शुक्र बिरार शरीख ले लिया है और अभी जा रहा हूँ घर की तरफ। डिजिट यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कल के लिए ब्लॉग भी एडिट कर लिया, इंशाल्लाह कल 4 बजे ब्लॉग अपलोड होगा। और अभी भाई लोगों के साथ मुझे आज रात फिर से फुटबॉल खेलने भी जाना है, क्योंकि भाई लोगों ने आज फिर से टाइम लिया, मैंने भी कहा चलो से आज रात फ्री आज आप लोगों के साथ जरूर जरूर चलूँगा, क्योंकि यार तब भी बहुत गया हो तो फिर भी भाई लोगों के साथ जाकर फुटबॉल में जरूर जरूर खेलूँगा। यार भाई लोग जा रहे थे फुटबॉल मैच की तरफ, 1 किलो बस 1 किलो भी यार टाइम हो गया है रात के, आप लोग टाइम देख सकते हो। तो खाना ना रखते नाले तो खाना ना रखते यार इस वजह से जो मैंने सेव किया, दरअसल मतलब मुझे सेव की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि घर में बड़े भाई ने भी लाया था, मेरी मदर ने भी लाई थी सेव, मगर रात यार 1 बजे और वो सड़क पे दिल है यार, तो फिर मैंने भी कहा यार 200 रुपये की कीमत ही क्या, मतलब एक बंदा बहुत खुश हो जाए मेरे 200 रुपये से यार कुर्बान है उस पर, तो इस वजह से मैंने उससे सेब ले लिया 1 किलो। यार रात के टाइम सेब खाने से ही दिल नहीं है, मगर फिर भी दिल है यार, कोई पत्थर यार फिर कोई ईंट वगैरह तो नहीं कि मतलब पिघल ना जाए, फिर जब उसे देख लिया फिर मैंने भी कहा यार चलो 200 रुपये कुर्बान उस पर उसकी खुशी पे, वरना सेब तो रात के इस टाइम। यार हम लोग पहुँच गए ग्राउंड में और दूसरे ग्राउंड में टाइम लिया है हम लोगों ने। यार मैच खत्म हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जीत गए, अच्छा गोल जीत कर दिए 4-0 हो गया। अगर ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लेंगे इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ, तो ध्यान रखें कैमरे वालों से प्यार करें, ब्लॉग में आ जाते हैं, गुड बाय टेक केयर अल्लाह हाफिज़ ब्लॉग में आ जाए। यार आप लोग देख सकते हो रात के हो गए 3 बजे और मुझे भूख लगी थी, तो इस वजह से मैंने ले लिया अपने लिए अंगूर और पीच। यार इससे पहले रात के इस टाइम अगर मुझे भूख लगती ना तो फिर मैं अपने लिए कुछ ना कुछ ज़रूर बनाता, आप लोगों को पता है, तो फिर थोड़ा बहुत ख्याल रख रहा हूँ अपना, इस वजह से अंगूर और पीच।